Hey guys, welcome back to my channel Reaction Girl Moon. So guys, I'm back again with a new reaction video. तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक new video के साथ, एक new topic के साथ. तो आज मैं इस video के ऊपर react करने जा रही हूँ on the video. इस लड़की ने सोफिया को भी पीछे छोड़ दिया, शिवम राजपूत. ओके, आज मैं फर्स्ट टाइम गाइस शिवम जी का वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ. मैं इनका वीडियो देखी हूँ, काफी मजेदार रहता है. तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो वीडियो बटन है उसको प्रेस जरूर करना ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए. मेरा इंस्टा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके चेक जरूर करना और मुझे फॉलो भी कर लेना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. हाँ भाई, नमस्कार चिलगुजो. इफ डेडिकेशन हैज अ फेस तो वो मैं हूँ. सुबह के 7 बज रहे, बिना सोए स्क्रिप्टिंग करके डायरेक्ट शूट करने बैठा. खैर मेरे ही करम है, पूरी रात मजे की है फिर स्क्रिप्टिंग करने 4 बजे बैठा. लेकिन खैर आज की वीडियो की एक खास बात है, वो ये है कि इसमें कोई इंट्रो ही नहीं है क्योंकि बोर हो रहा था लिखने में. लाइक वीडियो पे टूटते हैं, चलो मजे आएंगे. देखो बाद में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ये जिस बंदी को मैं रोस्ट कर रहा हूँ वो बंदी टोपिया की छोटी बहन, बड़ी बहन कुछ भी मान लो. मतलब ये कपड़ों के मामले में नहीं, मतलब रील. अब देख लो ना यार, अब देख लो इसकी मका कॉकरोच चल रहा है. यार बेबी क्या लेके आई हो तुम मुझे? बेबी इस पेड़ में तुम्हें क्या कमी दिखाई दे रही है? बेबी ये अगर ये फालतू के झाड़ नहीं होते ना, ये बाल बहुत बड़े लगता है ये पेड़. मल्लिका सिरावत है वो के जो वैक्सिंग करवा के आएगी. पेड़ है वो होता ही इसलिए है, उस पर फूल पत्ते झाड़ी ये सब उगता है. पेड़ को छूके उसी को बोल रहा है कि ये तेरे में झाड़ी वाड़ी है थोड़ी, इसलिए बुरा लग रहा है. बाकी तो बहुत बढ़िया है, तू पेड़ की कोनी होती ना तो तेरी गुद्दी गुद्दी बजाता वो. बहुत बढ़िया लगता है ये पेड़. अच्छा वही तो, अगर फालतू के बाल नहीं होते तो तुम्हारा भी बड़ा अच्छा. समझ रहे हो ना गाइस आप लोग? मैं समझाता हूँ. पेड़ की टहनी को झाट के साथ कंपेयर किया इन्होंने. तेरे को नहीं जमता तो बोल उसको डायरेक्टली जाके, काट क्या लोड़े, कल से दिखने नहीं चाहिए बाल, सब बोल डायरेक्ट जाके. मुंह नहीं परवड़ता तो बोलो ना, ये क्या अनुलोम विलोम शब्द खेल रहे हो, रेफरेंस दे रही है रैपर है तू. यार हुमायरा बिल्डिंग देख यार, इतनी बड़ी है और तुम देखा एक बीच में, एक आगे एक पीछे. मुझे भी ऐसे करना है यार, बीच में है मतलब. अपनी ख्वाहिशों को जरा समेट के रखो. फिगर का भी वो बिल्डिंग दिखा रहा है कि देखो बिल्डिंग बीच में है एक साइड पे, इसको थ्रीसम करना है. क्यों करना है भाई? बिल्डिंग दिखा रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई. वो अगली बार दिखाएगा भी नहीं कुछ फिर, और वो भी कोई कम नहीं है, वो चिपकली की जाट अलग ही. देखो बीच में बिल्डिंग है, आगे है, तीनों से लाइन में ऐसे ही होती है बिल्डिंग. मजा आ रहा है ना सुन के. ऐसे ही होती है और कैसे होती है, एक यहाँ बनाएंगे दूसरी क्या इस्लामाबाद में बनाएंगे. शर्मा शर्मा क्यों रही है भाई एंड में? बचा क्या है अब, छोड़ क्या दिया भाई जो शर्मा रही है? ये जंगल के बीचों बीच कोयल के टट्टे गिनने तो आए नहीं हो तुम, ये रील बनाना तो सेकेंडरी थिंग है तुम्हारा जंगल जाके. जब बात जरूरत की हो ना तो सबकी औकात दिख जाती है. दर्द जरूरी नहीं है, किसी किसी के रील पे भी दिख जाती है. जितने कम लोग उतना ज्यादा सुकून. I don't know, मेरे को इस जोक पे हंसना चाहिए या नहीं. पर तू लाइफ की बात कर रही थी ना पक्का. मोहित तू मुझसे बहुत गंदे गंदे सवाल पूछता है ना, आज मैं तुझसे पूछती हूँ. एक आइसक्रीम की दुकान थी, ठीक है, ठीक है. इसमें तीन लड़कियां आइसक्रीम खा रही थी. अच्छा. एक आइसक्रीम चाट रही थी, एक आइसक्रीम चूस रही थी और एक आइसक्रीम काट काट के खा रही थी. ठीक है. अब मुझे ये बता इन तीनों में से कौन सी शादीशुदा थी? चूसने. तूने गंदी सोच है, तू नहीं बता पाएगा. आपने भी बता पाया. पहली बात तो लड़कियां कैसे थी, अगर शादी हो गई तो शादी हो गई तो औरत बन जाती है ना. बात तो सही है. और दूसरी बात, मैं तो चाटता भी हूँ, चूसता भी हूँ, काट के भी खाता, तो क्या मैं शादीशुदा हूँ? ऐसे तो कल को किसी का कोर्ट में केस हो रहा होगा कि भाई शादीशुदा है कि नहीं, तो क्या मांगेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट ना कुछ नहीं, कुल्फी पकड़ा देंगे हाथ में. चूसो तुम भी यार, रिपोर्ट कार्ड बना दे. सही सही से चाट चाट. हां चुस्की मार रही है, लेकिन क्या मैटर है यार. ठंडा रहिए ब्रो, बचने के लिए मुझे जलते रहो कलौड़े.
यही रह गया, या तो जो सिंगल लौंड है जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं जिनको ठंड लगती है तो ठंड से बचने के लिए वो हिला के सो जाएंगे, और जो लोग कमिटेड है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग शादीशुदा है, उन लोगों के पास तो जरिया है। और चलो फिर भी अगर कोई ठंड भगाने के पर्पज से तुम्हारी प्रोफाइल पे आए तो वो जल के तो ठंड नहीं भगाएगा, जो फर्स्ट वाला बताया था ना सेम तरीका। और ये जलन से कोई ठंड वंड नहीं भगाता, किसी को ठंड लग रही हो तो यूं नहीं करेगा यार बहुत ठंड लग रही है क्या करूं, इसकी लाइक्स देख ले 10,000 लाइक्स, ओ माय गॉड गर्मी लगने लग गई है, 1 मिलियन लाइक, ओ भाई यार एसी चला दे यार मैं मर जाऊंगा गर्मी के मारे यार, आज तो सारी ठंडी भाग गई यार, इतनी गांड चल गई मेरी, मैं घर पे हीटर क्यों लगवाऊंगा ठंड में, विराट कोहली की प्रोफाइल का फोटो लगवा दूंगा पूरे घर में दीवारों पे, सबकी गांडे जलती रहे, तुम भी आ जाना बहन, जो गांड पे रोटी और सेक लेना यार, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? अरे नहीं बेबी पागल हो गया, मैं क्यों दूंगा तुम्हें धोखा? अच्छा ये बताओ तुम कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो अब तक? रुक तेरे को पता, बेबी मैं किसी लड़की के साथ नहीं सोया, क्योंकि सबके साथ तो मैं जागा हूं ना। वाओ व्हाट अ क्रिएटिविटी, तुम तो मेरी तरह निकले बिल्कुल, मतलब तुम लड़कियों के साथ सोती हो, मतलब मेरे को क्या दिक्कत, दिक्कत क्या ही होगी, खैर आजकल तो लीगल हो गया कैची चलाना। Give me your fucking gun, I'll shoot you son of a bitch। यार मोहित कितना मोटा पेड़ है यार, काश तेरा भी इतना मोटा होता। अगर काश ऐसा ही होता तो 16 GB ये दीदी का क्या हालत होता, वो तो मैं सोच रही हूँ। 256 GB डेटा नहीं जाता, क्या पता कार्ड में स्पेस बढ़वाई हो तो बात अलग है फिर। हाँ चल किधर चलू, चल ये हरकत है, जाना इरिटेट हो रहा है, तेरे अंकित के सामने सब बातें बोल रही, क्या चल मेरे को काहे को लेके आ रही है, तेरे केले को लेके जाना, मेरे को काहे को लेके आ रही है, कहाँ कहाँ कौन सा इशारा कर रही हो, कौन सा केला है तुम्हारे पास, ये कौन से अभद्र इशारे कर रहे हो यार, ये कहाँ है, मेरी नंगी आंखों से क्यों नहीं दिख रहा, पीछे वो रिक्शा वाला ही परेशान हो, मुंडी घुसेड़ के बैठा है रिक्शा के डिग्गी में, कुछ नहीं कर रहा आप घुसेड़ के बैठा है बस, ये बवासीर नहीं देखनी, चाहे इसके अंदर घुटके मर जाऊंगा मैं। कुछ लड़कियाँ मच्छर जैसी होती है ब्रो, बेचारे लड़कों का काट कर चली जाती है। अच्छा। कृपया करके लड़कों मेरी जान, सावधान रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं कोई कोई जरूरत नहीं है तेरे साथ की, चीज में साथ तू ही है सबसे बड़ी मधुमक्खी उसमें, मच्छर तो फिर भी एक बारी को ये रैकेट से मर जाएंगे, तेरे को गलती से तेरे हाथ में रैकेट आ गया तो ब्रो हर किसी को सफाई पेश नहीं करने का, तुम डिटर्जेंट नहीं हो इंसान हो ब्रो, हर बार वीडियो में नंगा नाच नहीं करने का, ये XXX की साइट नहीं है इंस्टाग्राम, ठीक है ठीक है, तुम्हारे बारे में सोच रहा है, बताओ ना यार सबको, ये मत बताओ मैं ठीक हूँ, तुम खराब हो। ए होशियारी, कल को तुम्हारा बाप तुम पे इल्जाम लगाया तूने चोरी किया तो तुम क्या करोगे? हाँ मैं ठीक हूँ, जा क्या क्या करे, मैं करी है चोरी, जाओ बहन चो क्या कर लोगे तुम, ये करोगे बेटा, ऐसी हालत कर देंगे कि मुंह से हगोगे और गांड से सांस लोगे। ये दुनिया पराई है, अच्छा बस एक तू ही है जो अपना भाई है। चलो एक एटलीस्ट एक साफ सुथरी सीधी वीडियो मिली, ये शायद इसने अपने भाई के साथ बनाई है, फिर जो भी है पता नहीं कौन है, पर चलो थोड़ा बहुत सही मिला। सुबह को भैया रात को सैया, सुबह को बहना रात को देना, मैं एक्सपेक्ट क्यों करता हूँ इनसे, मैं ही चूतिया हूँ ये लोग नहीं है बहन, तो तुम लोग चद्दर बिछा के पूरा एक बार में कार्यक्रम करी क्यों नहीं डालते, और जिस तरह से ये लौंडे में भरी हुई है दिख रही है हरकत है इसकी, 1.5 मिनट में तो हो भी जाएगा इसका रील के टाइम में, बस यार अब और नहीं, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो फॉलो कर दो, नींद चढ़ गई नींद। सेकंड चैनल पे शॉर्ट सारे रेगुलर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और थर्ड चैनल पे मेरी बचपन की स्टोरी अगर आपको सुननी है चाइल्डहुड स्टोरीज, जल्दी अपलोड होगी 1-2 दिन में, तो जाओ वो भी सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिल जाएगी। और हाँ अगर आपके पास भी ओपिनियन है तो ये सोशल मीडिया गली मोहल्ले नुक्कड़ पे वेस्ट मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके प्रोमो ऐप पे दो अपना ओपिनियन, 25 रुपए तक का वेलकम बोनस पाओ। चलो भाई बाय। गाइस मैं जब पोस्टर को देखी ना वीडियो का, जब मैं थंबनेल को देखी कि ये लड़की सोफिया को भी पीछे छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि ड्रेस के हिसाब से, ठीक है क्योंकि ज्यादातर सोफिया को ड्रेस से ही जजमेंट किया जाता है, क्योंकि तो मुझे लगा इसका भी ड्रेसिंग सेंस ऐसा ही है तो इसके साथ भी वही ड्रेस को लेके ही जजमेंट किया जाएगा, पर नहीं भाई यहाँ पे तो कुछ और ही देखने को मिला। इस लड़की का जो दिमाग है वो तो काफी दूर तक भागते रहते हैं, मतलब हर चीज में कुछ भी मिल जाए उसको लेके अब मतलब खुद का कुछ चीज़ या फिर बॉयफ्रेंड का कुछ चीज़ का कंपेयर करने लगता है, जैसे वो पेड़ को लेके, बेबी एक पेड़ कितना मोटा है, काश तुम्हारा भी ऐसा होता।
मतलब कुछ भी मिल जाए उस चीज के साथ एक बहुत अच्छा कंपेयर कर देते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, आप लोगों को पता ही है कि वो क्या मीनिंग करना चाह रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि दीदी अगर काश ऐसा हो जाता वो पेड़ के जैसा तो आपका क्या होता। और भी है गाइस कुछ रील्स, बट मुझे यही रील्स सबसे ज्यादा घटिया लगी, ठीक है, तो इसलिए मैं बोला। तो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इतना सारा रील्स में आप लोगों को कौन सा रील्स सबसे ज्यादा घटिया लगी, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना आप लोग मुझे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो देख के पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और जितना हो सके दबा के वीडियो को शेयर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक टॉपिक के साथ, ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।